क्या आपके घर में भी कंप्यूटर या लैपटॉप है? अगर है तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में ए बी सी डी लाइन से नहीं होती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा लिखा होता है, जबकि कीबोर्ड पर लिखी गिनती ऐसी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड में ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता? हालांकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि और उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी के आधार पर सवाल का जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी, पर इसका जवाब उन्हें अच्छे से नहीं मिल पाया होगा। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कीबोर्ड में लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं लिखे जाते। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और अभी तक आप चैनल में नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए अगर उनको नहीं पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में कीबोर्ड क्यों नहीं होते हैं। जब क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने पहला टाइपराइटर बनाया था तो सभी अक्षर सीधे ही लगे थे, यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी ही आता था। लेकिन 1867 में जब बने इस अल्फाबेटिकल टाइपराइटर में काफ़ी कमियां थी जिसकी वजह से वो कारगर सिद्ध नहीं हुआ। क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने जो अल्फाबेटिकल टाइपराइटर बनाया था उसमें बहुत बार अक्षर आपस में उलझ जाते थे। अगर आपने कभी टाइपराइटर यूज़ किया है तो आप समझ सकते हैं कि दो अक्षर एक साथ दबने पर दोनों आपस में उलझ जाते हैं। अल्फाबेटिकल टाइपराइटर में एक समस्या ये भी थी कि अक्षर आपस में उलझ जाते थे। अल्फाबेटिकल होने से टाइपिंग में गलतियाँ भी ज़्यादा होती थी और उस समय कीबोर्ड में बैकस्पेस का बटन भी नहीं था। अल्फाबेटिक टाइपराइटर पर स्पीड भी काफ़ी कम आती थी और गलतियाँ की इम्पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा होती थी। 1873 में क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने गलतियों से बचने और स्पीड को बढ़ाने के लिए सभी बटनों को व्यवस्थित किया, जैसे हम टाइपिंग में सबसे ज़्यादा ई और आई का उपयोग करते हैं तो उसे बोर्ड की पहली लाइन में और हमारी तर्जनी उंगली पर रखा गया, यानी ई और आई हाथों के बीच की उंगली पर रखा गया, और इसी तरह ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों को बीच में और कम इस्तेमाल होने वाले शब्दों को जैसे जेड और एक्स को कोने में रखा गया। कीबोर्ड के इस नए स्ट्रक्चर को क्वर्टी नाम दिया गया क्योंकि इसके शुरुआती अक्षर QWERTY है। हालांकि बाद में इसे रेमिंगटन एंड सन्स नाम दिया गया क्योंकि इस कंपनी ने क्रिस्टोफर लेथम शोल्स के क्वर्टी मॉडल को ज्यादा खरीदा था, लेकिन लोगों के जुबान पर आज भी क्वर्टी ही प्रसिद्ध है। कंप्यूटर के आने पर टाइपराइटर की तमाम समस्याएं जैसे बटन का उलझना, टाइपिंग स्पीड और बैक स्पेस जैसी समस्याएं सुलझ गई थी, लेकिन फिर भी कंप्यूटर में क्वर्टी को अपनाया गया। का न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में मानव व्यवहार और कार्यक्षमता पर अध्ययन कर रहे प्रोफेसर एलन हेज ने हमारी आदतों को बताया। उन्होंने कहा कि क्वर्टी कीबोर्ड हमारी आदत में शुमार हो गया है जिसे हम बदलना नहीं चाहते, इसलिए कंप्यूटर आने के बावजूद हमें टाइपराइटर के क्वर्टी कीबोर्ड को अपना लिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से क्वर्टी कीबोर्ड के बारे में जान गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि आखिर ABCD यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कीबोर्ड क्यों नहीं होता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो नीचे दिए कमेंट्स में जरूर शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक बटन दबा के लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।